नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ज्ञान हिंदी में, जहां हम इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। अब आपको अपने मोबाइल पर वीडियो, फिल्में देखने के लिए और गाने सुनने के लिए पैसा खर्च करने की या इंटरनेट डेटा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिना इंटरनेट डेटा यूज किए मस्त मूवीज वीडियोस जमकर देख पाएंगे। हैरान हो गए? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं D2M टेक्नोलॉजी के बारे में। यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में दुनिया को बदल कर रख देगी। दोस्तों, लगता है आप इसके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, तो इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं। आज हम सभी इंटरनेट के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि एक दिन भी बिना इंटरनेट के गुजारना नामुमकिन हो जाता है। जब YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हो और मैसेज आने लगे कि डेटा खत्म हो गया या फिर बफरिंग होने लगे, तो दिमाग ही घूम जाता है। लेकिन आने वाले समय में इस समस्या का हल होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार अब काम कर रही है D2M टेक्नोलॉजी पर। आप कहेंगे कि भैया D2H तो हमने सुना था, ये D2M किस चिड़िया का नाम है? जैसे D2H में डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी द्वारा हम बिना इंटरनेट के चैनल्स को देखते हैं, वैसे ही D2M टेक्नोलॉजी में हम बिना इंटरनेट के सभी OTT प्लेटफॉर्म्स के वीडियोस देख पाएंगे। मुझे लगता है अभी भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। कोई कंफ्यूजन है क्या दोस्तों? चलो इसे अच्छे से समझते हैं। एक जमाना था दोस्तों, जब लोग टीवी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे, तब रेडियो का जमाना था। सैटेलाइट से आने वाली फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम रेडियो पर गाने सुनते थे, खबरें सुनते थे और अपना एंटरटेनमेंट करते थे। उसके बाद आविष्कार हुआ टीवी का। टीवी आने के बाद तो मानो लोग पागल से हो गए और दूर दूर से लोग किसी एक के घर में टीवी देखने के लिए आते थे। उसके बाद अपने पैर जमाए केबल ने। जी हाँ दोस्तों, केबल के आने के बाद हजारों सैटेलाइट चैनल्स भी उभर कर आए, जिसके बाद तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में मान लो एक क्रांति सी आ गई। लेकिन विधि का विधान है दोस्तों, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। कोई भी नई चीज हमेशा नई नहीं रहती, उसे पुराना होना ही पड़ता है। इसके बाद जमाना आया मोबाइल फोन्स का और इंटरनेट का, और मानो पूरी दुनिया इस छोटे से मोबाइल में समा गई और हम आदि हो गए इंटरनेट के, जिसके बिना आज हम एक दिन भी गुजार नहीं सकते। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जमाना भी लग गया है दोस्तों, क्योंकि अब D2M टेक्नोलॉजी से एंटरटेनमेंट जगत में आग लगने वाली है। अब आने वाले समय में हम सोनी लिव, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम इत्यादि सब को बिना इंटरनेट के अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड प्रसार भारती पर इसका काम शुरू हो चुका है और इसके लिए सरकार ने हाल ही में IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेट भी किया है। जिस तरह से हम मोबाइल में FM रेडियो चलाकर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग प्रोग्राम देखते हैं, वैसे ही अब सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी को यूज करके मोबाइल पर अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म द्वारा हम वीडियोस देख पाएंगे। इसके लिए हाईली एडवांस सैटेलाइट का यूज किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बिना इंटरनेट यूज किए हम मोबाइल पर फिल्में, वीडियोस और चैनल्स भी देख पाएंगे। अब आप बिना इंटरनेट यूज किए HD में बिना बफरिंग के मस्त वीडियोस, फिल्में इत्यादि देख पाएंगे दोस्तों, जिसका मजा ही अलग होगा। अब क्योंकि सबसे पहले मोबाइल में D2M टेक्नोलॉजी के द्वारा मोबाइल को सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा, तो सरकार एक ही बार में सभी नागरिकों को कोई भी संदेश भी भेज सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब फेक न्यूज का जमाना खत्म हो जाएगा और जो असली खबर होगी वही नागरिकों तक पहुंचेगी। और देखा जाए तो बाढ़ इत्यादि की सभी अलर्ट एक बार में सभी नागरिकों को मिलेंगे और यह आसानी से हो सकेगा। यह आपदा प्रबंधन में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा दोस्तों, और उसका कंट्रोल सरकार के पास रहेगा। इसीलिए जब आपके पास इंटरनेट नहीं भी होगा, तब भी आप यह सभी प्लेटफॉर्म यूज कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को होगा, जो अपने मोबाइल नेटवर्क का ट्रैफिक डेटा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर ट्रांसफर कर पाएंगी। इस तरह से वो अपने कीमती मोबाइल स्पेक्ट्रम को बचा पाएंगी। इससे बैंडविड्थ पर पड़ता दबाव कम होगा, जो वीडियोस, यूट्यूब, OTT वगैरह देखने से बढ़ रहा था। इससे कॉल ड्रॉप होना भी बंद हो जाएगा दोस्तों, जो प्रॉब्लम कॉल ड्रॉप की थी अब वो नहीं रहेगी, और इंटरनेट की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, या कहें 2, 3 या 4 गुना ज्यादा। और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी द्वारा गाँव के लोग भी, सुदूर इलाकों के लोग जहाँ इंटरनेट पहले नहीं था, अब इंटरनेट को यूज कर पाएंगे, तो इसका सबसे बड़ा फायदा इंटरनेट पर यूट्यूब क्रिएटर्स यानी कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले लोगों को होगा, क्योंकि उन्हें अब नई ऑडियंस मिलेगी। अब इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि आने वाले समय में 100 करोड़ तक हो सकती है। ये वो लोग होंगे जिनके पास अब मोबाइल होंगे 2026 तक, यानी कि 2026 तक अब मोबाइल यूजर्स की संख्या 100 करोड़ तक बढ़ जाएगी दोस्तों। और ये वो लोग होंगे जो बिना इंटरनेट के अपने मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियोस देख रहे होंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करता है। आज हमारे देश में 1 अरब से ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 75 करोड़ स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 82% लोग ऐसे हैं जो YouTube देखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और हर रोज लगभग 10 लाख मिनट यह वीडियोस देखी जाती हैं। ऐसे में D2M टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ी क्रांति साबित होगी दोस्तों। लेकिन सुनने में जितना मजा आ रहा है दोस्तों, यह उतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो अपने साथ बड़े चैलेंज और बड़ी जिम्मेदारियां लेके आती हैं। इंडिया को इसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद
लोगों के माइंडसेट को भी सही करना पड़ेगा। कोई भी नया चेंज एडॉप्ट करना बेहद मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा मोबाइल कंपनीज के लिए, जिनको अपनी सारी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन भारत में मोबाइल कंपनियां हमेशा हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहती हैं दोस्तों। और रही बात हम भारतीय नागरिकों की, तो हम तो हर समय इंतजार करते रहते हैं कि कब कोई नई टेक्नोलॉजी आए, हम में एडवांस बनने की होड़ सी मच पड़ी है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या D2M टेक्नोलॉजी कारगर साबित होगी? अपने दोस्तों से इसके बारे में जिक्र जरूर कीजिएगा। और आपकी क्या राय है, क्या आपको इस टेक्नोलॉजी द्वारा फ्री में इंटरनेट यूज करने की फैसिलिटी मिलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।